हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग क्लास सिक्स का मैथ का चैप्टर फर्स्ट, नोइंग अवर नंबर्स, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर। आखिर नंबर्स होता क्या है? नोइंग अवर नंबर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आखिर नंबर होता क्या है? क्या आप लोगों को पता है नंबर कैसे बनता है? नहीं पता है, आज आप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नोइंग अवर नंबर्स। आखिर नंबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं डिजिट। डिजिट कितनी होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारी टोटल 10 डिजिट होती हैं। कितनी डिजिट होती हैं? टोटल 10 डिजिट होती हैं। इन्हीं डिजिट के हेल्प से हमारा क्या बनता है? नंबर्स बनता है। विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट, विद द हेल्प ऑफ डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड। नंबर इज फॉर्म्ड तो क्या होता है? डिजिट की हेल्प से हमारा क्या बनता है? नंबर बनता है। जैसे कि हमें 21 लिखना है, तो हमने क्या 2 पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया। डिजिट हमारा क्या है? 2 भी डिजिट है, 1 भी क्या, एक डिजिट है। तो 21 ये क्या हुआ? नंबर हुआ। 22 लिखना है, तो 2 बार 2 लिख दिया, तो ये भी क्या हुआ? एक हमारा नंबर हुआ। सर, आपने कह दिया ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, तो क्या ये हमारे नंबर्स नहीं है? ये भी आपके नंबर्स हैं। ऑल द डिजिट्स आर नंबर्स, जितनी भी सारी डिजिट्स हैं वो सारे क्या हैं? नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपको फाइंड करना रहता है कि ये 2 डिजिट नंबर है, वेदर इट इज़ 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर है कैसे? 1, 2, दो नंबर है, 1 और 2, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया। इसी तरह यहाँ पे लिखा है 3 नंबर लिखे, 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया? 3 डिजिट नंबर हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है 2, 7, 8, 9, तो इसमें क्या 1, 2, 3, 4, 4 नंबर्स हैं, तो ये क्या हो गया? 4 डिजिट नंबर हो गया, 4 डिजिट नंबर हो गया। तो अब आप लोग पता कर लेंगे कि कितनी डिजिट नंबर है। जैसे यहाँ पे लिखा है 203, ये कितने डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर। 45 कितने डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। 67 भी हमारे क्या है? 1, 2, 2 डिजिट नंबर है सर, क्योंकि 2 नंबर हैं, तो 2 डिजिट नंबर हो गया। 68 हमारा क्या है? 2 डिजिट नंबर है। क्या है? 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 2 नंबर है, 6 और 8, तो ये हमारा क्या हुआ? 1, 2, काउंट करें तो 1, 2, 2 डिजिट नंबर आ गया। ठीक है सर जी, हमने नंबर्स पढ़ लिया। फिर हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। आखिर हमें कैसे पता चले कि कोई नंबर ये बड़ा है कि छोटा है? जैसे आपको लिखा है 25, क्या लिखा है? 25, और एक में लिखा है 50, 255, ठीक है, 255। तो इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कितनी डिजिट नंबर है। ये तो हमारा 2 डिजिट नंबर है, और ये हमारा क्या है? 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और ग्रेटर देन का साइन क्या होता है हमारा? ये होता है। ये किसका साइन है हमारा? ग्रेटर देन का है कि लेस देन का है? ये साइन जो है हमारा किसका है? देखिए अभी मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है, जैसे ये साइन होता है तो इसके इस साइड हमेशा ग्रेटर नंबर लिखा जाता है। क्या होता है? ग्रेटर नंबर होता है, ग्रेटर नंबर। जिस साइड ओपन है इस साइड ग्रेटर नंबर हमेशा लिखा जाता है, और जिस साइड क्लोज्ड है इस साइड क्या होता है? स्मॉल नंबर लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और दिस इस ये हमारा कौन सा साइन है? ये हमारा लेस देन का साइन है। किसका है? लेस देन का साइन है। और ये हमारा क्या होता है? ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन।
ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में, और ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस साइड कौन सा नंबर लिखना है, बड़ा नंबर कि छोटा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 25 इज़ लेस देन 250, 255। 25 क्या है हमारा, 255 से लेस देन है। सर ये बताइए, अगर 455 लिखा हुआ है और 4747 लिखा हुआ है, तो इसमें पहले देखते हैं 1 2 3, ये 3 डिजिट नंबर है, दिस वन इज 3 डिजिट नंबर, और ये हमारा क्या है, 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर है। तो हमेशा हम लोग जानते हैं 3 डिजिट नंबर बड़ा होता है 2 डिजिट नंबर से, ठीक है जी सर। तो आप लोग पता कर लेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिजिट किसकी डिजिट ज़्यादा है, तो वही हमारा क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। अब अगर सर दोनों में डिजिट अगर सेम हो, जैसे 47 लिखा है और 74 लिखा है, तो सबसे पहले पहला नंबर देखेंगे, जब दोनों में डिजिट सेम होंगी तब सबसे पहले पहला नंबर देखेंगे। पहला नंबर इसमें क्या है, 4 है, और इसमें क्या है, 7 है, तो 7 बड़ा होता है ना 4 से, तो इसलिए ये इस साइड वाला जो नंबर होगा ये 74 हमारे से बड़ा होगा 47 से। अब आपको ये तो छोटा दिया था, तो आपको ये तो मुझे आता है। अब जैसे यहाँ पे बड़ा लिख दिया गया कोई नंबर 8 7 4 7 9 0, तो इसमें कैसे करेंगे सर, पहला पहला शुरुआत से पहला नंबर चेक करेंगे, दोनों क्या सेम है तो इनमें नहीं पता चल रहा है, फिर दूसरे नंबर पे जाएंगे, दूसरा भी सेम है, तीसरे नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और ये नंबर क्या होगा, हमारा छोटा होगा ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 4781 और यहाँ पे लिखा है 4891, ठीक है, तो पहले पहले नंबर को कंपेयर किया सर, दोनों सेम है, दूसरा नंबर देखा यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 बड़ा होता है, तो इस साइड इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर हमारा बड़ा होगा, हाँ। तो आपको आप पता कर लेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, कौन सा नंबर लेस देन है। ग्रेटर देन का आपको साइन पता चल गया और लेस देन का साइन पता चल गया। इक्वल टू का साइन कैसा होता है, ये होता है हमारा किसका, इक्वल टू का साइन, क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, कंपेरिजन ही करना है, कंपेयर ऑफ नंबर, यू कैन इंस्टेंट फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रूट्स। क्या आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जी सर फाइंड कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होगी वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना। इसमें देखिए 3 नंबर ऑफ डिजिट हैं, 3 डिजिट नंबर है, इसमें कितने हैं, 1 2 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है, ये कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हमारा नंबर है, और 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट नंबर है ये हमारा, 7 डिजिट नंबर, और ये हमारा कितना है, 3 डिजिट, तो 7 डिजिट नंबर हमेशा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगी वो बड़ा होगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, 1 8 6 9 7 8 5, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया सर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें सबसे कम डिजिट होंगी, सबसे कम डिजिट किस में आ रही हैं, एक तो ये आ रहा है 3 डिजिट नंबर, और ये वाला एक आ रहा है फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला ना, तो इसमें फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे ना। अब जब डिजिट सेम रहती है तो क्या कंपैरिजन करते हैं नंबर का, पहला 3 जो है स्मॉल होता है 7 से, तो मतलब ये क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 382 हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था, तो क्या किया हमने, पहले हमने नंबर ऑफ कंपेयर देख लिया कि इसमें डिजिट ज़्यादा है तो वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, और जिसमें डिजिट कम होंगी वो हमारा क्या हो जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा कितना 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, दिस वन इज 5 डिजिट नंबर, ये हमारा क्या है, 3 डिजिट नंबर है, और ये हमारा 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर है, और ये हमारा कितना है, 3 डिजिट नंबर है।
तो सर इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसकी नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगी? दिस वन इज़, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या होगा? 8, 9, 4, 2, 3, ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता चल गया। सर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट जो होगा मिनिमम डिजिट वाला होगा। तो इन दोनों में, ये दोनों तीन थ्री थ्री डिजिट नंबर है, तो सर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो 1 छोटा होता है ना 3 से, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये आपका सेकंड का क्वेश्चन हो आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर अब आता है थर्ड। थर्ड में देखिए तो हम लोग पहले डिजिट देख लेते हैं। ये 4 डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5 डिजिट नंबर है, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, दो ये हमारा 4 डिजिट नंबर है, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट किस में मैक्सिमम है? ये दिस वन इज। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कितना होगा? 7, 5, 2, 8, 4। इसे कैसे पढ़ा जाता है अभी आपको आगे बताएंगे। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है हमारा? स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? मिनिमम डिजिट वाला। सर ये मिनिमम डिजिट ये 3 है और ये 3 है। सर अब तो इसमें तो दोनों डिजिट सेम है, तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले नंबर को, पहला नंबर 3, यहाँ पे 4 है, तो 1, 1 ये हो गया। अब फिर आता है हमारा फोर्थ वाला। सर इसमें पहले नंबर ऑफ डिजिट देख लेते हैं। 1, 2, 4 इसमें है, इसमें भी सर 4 है, दो इसमें भी सर 4 है, इसमें क्या है, 5 है सर, इसमें 3 है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या आएगा? 1, 2, डबल, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगी इसमें ज़्यादा है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगी, कम होंगी, तो 1, 24, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अब आप लोग पता कर लेंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप लोगों को ये तो इंस्टेंट वाला था, बहुत जल्दी पता हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख लेते हैं ये भी, हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये हमारा क्या है, 3 डिजिट नंबर है, ये हमारा 4 डिजिट नंबर है, और दिस वन इज अवर 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, आप लोगों को बताया गया, जिसकी नंबर ऑफ डिजिट क्या होती है, ज़्यादा होती है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आएगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट मिनिमम होती है, 92 ना, 92 में 2 नंबर ऑफ डिजिट्स है। डिजिट निकालना आया ना आपको लोगों को, 1, 2, ये 2 डिजिट नंबर। यहाँ इसको 3 डिजिट नंबर क्यों कहा गया, इसमें 3 नंबर है, 1 है, 2 है, 9 है और 3 है, 3 नंबर है, इसीलिए इसे 3 डिजिट नंबर का। इसमें 4 डिजिट नंबर, 1, 6 है, 5 है, 4 है, 4 है, फिर इसीलिए इसे 4 डिजिट नंबर कहा गया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कितने डिजिट नंबर हैं। सर ये 4 डिजिट नंबर है, दिस वन इज 4 डिजिट, दिस वन इज ऑल्सो 4 डिजिट, दिस वन इज ऑल्सो 4 डिजिट। सर सारे तो 4 डिजिट नंबर है, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर कैसे पता चलेगा? मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कंपेयर करेंगे। पहला नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों में तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है ना, तो इन दोनों से स्मॉल है, ये तो नहीं हो सकता। इन दोनों में कोई एक होगा ग्रेटर नंबर। पहला नंबर देखा सर सेम है, दूसरा नंबर देखा सर सेम है, तीसरा नंबर देखा तो ये क्या है, 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आएगा? 1 बड़ा होता है ना, 9, 2, 1, 0। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा सर? स्मॉलेस्ट नंबर दोनों सारे में डिजिट सेम है, तो पहला नंबर देखेंगे, इसमें इसमें स्मॉल है और इसमें स्मॉल है, तो इन दोनों में 1 1 क्या है, बराबर है, 9 9 भी बराबर है, 0 स्मॉल होता है 2 से, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1, 9, 0, 2, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं सर, ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, दिस वन इज ऑल्सो 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट है। तो सर आप ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पहली डिजिट देखेंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सभी में 4 है पहली डिजिट। फिर दूसरी डिजिट हम लोग ने देखा 3 है इसमें सर, इसमें 9 8 है और इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 8 बड़ी होती है ना इन सभी से,
हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 4892। और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा सर, सभी में डिजिट सेम है, पहला डिजिट चेक करेंगे सेम है, सेकंड 5834, तो 3 स्मॉल होता है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 4370। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है आप लोगों को करने हैं। ठीक है, फिर आता है यूज द गिवन डिजिट, आप लोगों को डिजिट बताइए विदाउट रिपीटिशन, बिना रिपीटिशन के, एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आप लोगों को क्या पता करना रहता है, आप लोगों को पता है डिजिट कितनी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन आपको क्या देगा, कुछ डिजिट दे देगा 1 2 3 4। सर ये 4 डिजिट दी गई हैं, क्या 4 डिजिट आप लोगों को दे देगा, ये 4 या 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो क्या है इसे 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर में कितने नंबर्स होंगे, 4 नंबर्स होंगे, और वो भी 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट अगर हम लोग को फाइंड करना होगा नंबर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर दिए होंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ना, फिर सबसे बड़ा। तो असेंडिंग मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट के फॉर्म में लिख देंगे ऐसा, नहीं तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। और अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 4 डिजिट 1 2 3 4, तो क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता चल गया, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे फाइंड होगा। अब फिर आप लोगों को दे दिया गया, अब आप लोग फाइंड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया आप लोगों को 0 1 2 3 और 4, आप लोगों को ग्रेटेस्ट क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर। तो सर हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 5 डिजिट 1 2 3 4 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे बड़ा 4 3 2 1 और 0। ठीक है, हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। सर स्मॉलेस्ट कैसे लिखा जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब आप लोगों को स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है, तो आप लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब आप लोग कहेंगे ये सही, ये दिस वन इज करेक्ट, लेकिन आप लोगों का ये क्या है, गलत है, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लग जाता है, जैसे 01 लिखा है तो उसका मतलब 1 ही होता है, 0 अगर नंबर के आगे तो वो डिजिट की तरह काउंट नहीं किया जाएगा, तो 1 डिजिट नंबर बन गया ना। आप लोगों को 5 डिजिट नंबर लिखना था, तो आप लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0 को पहले, 0 के बाद में जो नंबर आएगा उसको पहले लिख देंगे, जैसे 1 आया 1 को पहले लिख दिया, फिर बाद में 0 आप लिख करके जैसे नंबर अरेंज कर रहे थे उसी तरह कर देंगे 2 3 4। बस ये आपका स्मॉलेस्ट आ गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आप लोग कर लेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो आप लोगों को तो आप लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो यहाँ पे आप लोगों के सामने शो किए गए हैं, एक मिनट रुक जाइए, आप लोग इरेज कर देते हैं तो आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
आप लोगों ने इसमें क्या फाइंड करना था, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। क्या फाइंड करना था, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो सर आप लोगों को बताया मैंने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा क्या इसमें 8 है, फिर सर उससे छोटा 7, फिर सर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे 2, 4, 7, 8, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में 9, 7, 4, 1। फिर अगर यदि आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो असेंडिंग ऑर्डर 1, 4, 7, 9। ठीक है, आप लोगों को सी पार्ट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें सबसे बड़ा क्या है 7, 5, 4, 0। और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो 0 नहीं लिख सकते आप लोग पहले, तो 0 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, तो पहले 4 लिखते हैं फिर बाद में 0 लिख सकते हैं ना, फिर 5, 7, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया छोटे से बड़ा। बस 0 अगर पहले आ जाता तो 0 को बाद में कर देते हैं ना। फिर डी वाला ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे बड़े से छोटा 7, 6, 2, 1। और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना तो असेंडिंग ऑर्डर 1, 2, 6, 7। ठीक है, ई वाला पार्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिगर टू स्मॉलर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 6, 5, 4, 2। और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना 2, 4, 6, 5। अब आप लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, विदाउट रिपीटेशन का मीन्स जानते हैं आप लोग, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन मीन्स कोई भी नंबर क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग वन डिजिट ट्वाइस। अब आप लोगों को थ्री नंबर्स दिए गए हैं और इनसे क्या फाइंड करना है, फोर डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो सर ये कैसे फाइंड करेंगे, थ्री डिजिट नंबर दिए गए हैं और फोर डिजिट नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे आपको पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो ग्रेटेस्ट नंबर इन डिजिट से देखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 8 है, तो 8 को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, 8 को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते ही थे, बस हो गया हमारा। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना है तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे 2 बार, और फिर 3 से बड़ा 7, 8, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं छोटे से बड़े की तरफ। फिर सेकेंड क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा आपका, 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर लिखना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो 9 को रिपीट कर दिया, फिर 5, डिसेंडिंग ऑर्डर ना बड़े से छोटा है 0। और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो सर जी 0 को तो रिपीट नहीं कर सकते हैं, 0 को पहले तो लिख नहीं सकते, रिपीट कर सकते हैं पहले तो लिख नहीं सकते, तो क्या पहले 5 लिख दें ना। और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या 0, तो 0 को 2 बार लिख दें और फिर हम लोग क्या कर दें 9 लिख दें, क्योंकि 0 को अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं मान लो 0, 0, 5, 9, तो इसमें क्या होगा, ये तो हमारा 2 ही डिजिट नंबर बन गया ना, इसको हम लोग 59 लिख सकते हैं, तो हमारा 2 डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, इसीलिए 0 को आगे नहीं लिखा। अब यहाँ पे आता है आपका सी क्वेश्चन, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, 4 डिजिट नंबर, 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले क्या करा, ग्रेटेस्ट नंबर लिया उसको रिपीट कर दिया, फिर 40। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो स्मॉलेस्ट नंबर को क्या कर दो, रिपीट कर दो, सर 0 तो पहले लिख नहीं सकते तो 4 लिख दो, 0 को 2 बार रिपीट कर दो, फिर 9 लिख दीजिए। अब जैसे 8, 5, 1 लिखा है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है आपको,
तो क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में सर जी लिखते हैं बड़े से छोटा, लेकिन इसमें 3 डिजिट दी गई है तो बड़ा वाला जो ग्रेटर नंबर है उसको रिपीट कर देंगे, और 51 और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो सर स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट कर देंगे, फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 8 5 छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, अब आप लोगों को डिजिट दी गई हो तो उनसे आप लोग नंबर फाइंड कर लेंगे, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब आप लोगों के में कुछ ऐसा भी एक टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वैसा भी रहता है, जैसे फाइंड 5 डिजिट, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपसे कह रहा है फाइंड करिए 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन आपको कोई भी डिजिट नहीं दी गई है, तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? आप लोगों को 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है तो 1 2 3 4 5 ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है ना, यहाँ पे लिख दिया ग्रेटेस्ट नंबर। जब कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो, ठीक है, कोई भी डिजिट हो, 5 हो 2 हो 6 हो 7 हो, और जब कोई भी डिजिट ना दी गई हो तो क्या करेंगे, 9 को उतनी बार रिपीट कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 डिजिट नंबर हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना तो 1 लिख देंगे पहले प्लेस पे और सब में 0 फिल कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये ग्रेट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। इसी तरह आपसे फोन फाइंड करने को कह सकता है 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आएगा, 9 9 9 9, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आएगा, 1 0। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। असेंडिंग का मीन्स आप लोग जानते हैं, असेंडिंग की स्पेलिंग क्या होती है, ASCENDING, असेंडिंग, और डिसेंडिंग की DSCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, और नंबर को अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे पहले सबसे स्मॉल लिखेंगे, फिर उससे बड़ा ग्रेटर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, जैसे आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल इसमें क्या है, 4 है सर, फिर देखा तो ये भी 2 डिजिट नंबर है, दिस वन इज 2 डिजिट, फिर तो इन तीनों में कौन सा स्मॉल है, दिस वन और दिस वन, इसमें कौन सा स्मॉल है, 23, फिर उससे बड़ा कौन सा, 67, फिर 89। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। इसमें अगर हम लोग देखें तो सर जी 7 छोटा है, फिर 8 उससे बड़ा है, फिर देखें तो 23 उससे बड़ा है सर, 45 और फिर 90। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आया, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स नंबर को अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 89, फिर इससे छोटा क्या है हमारा, 67, फिर 56 और फिर 0। हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया बड़े से छोटा, 67, 45, 9 और 7, ये हमारा क्या है, दोनों के आंसर हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है सर, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, अब आप लोगों के में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले पहला नंबर लिखेंगे, पहले नंबर को ऐसे ही लिख लेंगे, और उसके पीछे जितने भी नंबर है उतने 0 लगा देंगे, जैसे 1 नंबर है 0 लगा दिया, फिर प्लस का साइन लिखेंगे, दूसरा डिजिट लिख लेंगे, फिर उसके पीछे क्या कोई नंबर है, नहीं है सर जी, तो कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 5 पहले देखेंगे, तो 5 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो 2 0 लग गए, फिर 6 देखेंगे, 6 के पीछे कितने नंबर्स हैं, जी 1 नंबर है, तो 1 0 लग गया, 7 के पीछे कितने नंबर है, 1 भी नहीं है सर जी। क्या करना है आपको, वो नंबर लिखना है पहले, फिर जितने पीछे नंबर हैं उनते 0 लगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
5 जीरो लगा दें, फिर प्लस का साइन लगेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 7, फिर कितने जीरोस लगेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन लेंगे, फिर 5 लिखेंगे दूसरे नेक्स्ट नंबर, फिर कितने, 1 2 3, 3 जीरो, 1 2 3, फिर क्या लेंगे, 3 लेंगे, फिर कितने जीरोस लगाएंगे, 1 2, फिर क्या लेंगे, 2 लेंगे और कितने जीरो लगाएंगे, 0, बस हो गया आपका, यही क्या हो गया आपका, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब जैसे इसको भी लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, 9 लिखा पहला नंबर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 8, 8 से आपको एंड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस 4 लिखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 7, 1 2 3, फिर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 1 2, फिर 1 0, फिर 5, 5 के बाद तो कोई नंबर है नहीं तो 0 लगेगा ही ना। तो यही क्या हो गया आपका, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका 2 लिखा है, 2 × 10, इस 0 को अलग कर सकते हैं, जैसे आपका 500 लिखा है तो 5 पहले लिख लिया, फिर 1 × 100 लिख दिया, फिर 6 लिखा, फिर इंटू का साइन लगाया, फिर 1 × 10, जितने जीरो होंगे उतने 1, फिर 1 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको हमें लिखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 × 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 5000 का देखते हैं, क्या लिखेंगे, 5 × 1 0 3, 3 × 100 प्लस 2 × 10, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको आ गया, ठीक है। अब आप लोग क्या पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट, क्या पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट। आप लोग ने जब स्मॉल क्लास में आप लोग होंगे 5th या 6th में, तो आपने पढ़ा होगा वंस, टेंस, हंड्रेड, ओ टी एच ऐसे लिखते थे, इसे क्या कहते हैं, वंस, ये क्या होता था, टेंस, और दिस वन इज हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है। फिर क्या आता था हमारा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ ना, ऐसा कुछ आता था आप लोग, आप लोग ने यहाँ तक पढ़ा होगा 10,000 तक बस ना। तो याद रखिएगा, प्लीज वैल्यू चार्ट, प्लीज वैल्यू चार्ट हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, उससे क्या कहते थे, ये जो हमारा भी चार्ट बना था यही क्या था, हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट था। तो इनको दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कह सकते हैं या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कह सकते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू चार्ट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू चार्ट कहा जाता है। अब हम लोगों को इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, इंडियन सिस्टम में नंबर्स को फाइंड करना, कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। वंस, पहला ये क्या होता है हमारा, वंस, ओ एन ई एस, वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड, टेंस को टी से, वंस को वन ओ से, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, थाउजेंड के बाद 10,000, 10,000, फिर हमारे क्या आता है, लैक, 10 लैक, फिर मिलियन, आप लोग ने पढ़ा होगा पहले, मिलियन, नहीं मिलियन नहीं आता इसमें, इसमें क्या आता है, 10 लाख, फिर करोड़, करोड़ और
10 करोड़। इसमें मिलियन बिलियन नहीं आता है, मिलियन बिलियन हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आता है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, बन गया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या बन गया? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया। अब ये जो पूरी फैमिली होती है, इसे क्या कहते हैं, वंस की फैमिली है। ये किसकी फैमिली है? वंस की फैमिली है। और ये जो हमारा सेकंड फैमिली है, इसे क्या कहते हैं, थाउजेंड की है हमारी फैमिली है। कौन सी फैमिली है? थाउजेंड की फैमिली है। और थर्ड वाला जो हमारी फैमिली है, कौन सी है? लैक की फैमिली। कौन सी? लैक की। और जो फोर्थ हमारी फैमिली, वो करोड़ की है। किसकी है? करोड़ की है। अब जैसे आपके पास कोई नंबर दिया गया है, 8 4 5 6 7 8 9 1, आपको क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के में पुट करना है। तो आप लोग क्या पीछे से, यहाँ पे कहाँ पीछे से काउंटिंग होती है, ये हमारा वंस होता है, दिस वन इज टेंस, 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़, ठीक है। तो करोड़ में क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। लाख, 10 लाख में हमारा 4 है, लाख में 5, 10,000 में 6, 1,000 में 7 8 9 1, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लिखना है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, वंस, टेंस, 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़। इंडियन सिस्टम में लाख और करोड़ होता है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? लाख और करोड़ होता है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? लाख और करोड़ होता है। और हमारा आता है फिर दूसरा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें क्या होता है? इसमें बस लाख और करोड़ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, मिलियन बिलियन होता है। इसमें क्या होता है? मिलियन बिलियन होता है। इसको, इसका यदि हम लोग चार्ट वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा। 10,000 के बाद आता है आपका 100,000, ठीक है। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। बस आप लोगों को इतना ही ज़रूरत है, ठीक है। ये आपका बन गया चार्ट। तो ये आपकी कौन सी फैमिली है? ये वंस की फैमिली है, आप लोगों को कल बताया था मैंने, आज ही बताया था अभी। और ये हमारी किसकी फैमिली है? थाउजेंड की फैमिली है। और ये हमारी किसकी फैमिली है? मिलियन की फैमिली है। किसमें सारे मिलियन आ रहा है यहाँ? ये हमारी किसकी फैमिली है? बिलियन की फैमिली की। किसमें सब में क्या आ रहा है? बिलियन आ रहा है। तो आपको कोई भी नंबर लिखना है, जैसे 7 8 9 7 8 6 8 9, तो इसको लिखना है आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो ये हमारा वंस होता है, टेंस, 100 1000 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन में हमारा 7, 10 मिलियन पे 8, मिलियन पे 9, 1000 पे हमारा क्या है, 100,000 पे 7 8 9 6 7 8, ये है आपका, ठीक है। ऐसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हर एक पार्ट थ्री थ्री के, वंस के भी तीन क्या, तीन पीरियड, वंस, टेंस, 100, 1000 के भी तीन है, 1 10,000 1000 10,000 100,000, मिलियन के भी थ्री हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन के भी थ्री है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो क्या होता है, वंस, टेंस, 100,000 10,000 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ठीक है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता था, लाख और करोड़ होते थे, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में मिलियन और बिलियन होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को कॉमा पुट करना है, कैसे इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाते हैं और कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो बहुत ही आसान है, इजी है। तो इंडियन सिस्टम में आप लोग ने क्या पढ़ा था? इंडियन सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा था कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट, वंस, टेंस, हंड्रेड,
सर ऐसे हो गया था, वंस टेंस एंडेड, ये एक पीरियड था, ये वंस का था, ये पूरा किसका था, वंस का था, थाउजेंड गया हमारे दो थे, थाउजेंड और 10,000 ना, ये हमारा थाउजेंड का था। फिर सर हमारा कौन सा था, लैक का था, लैक में हमारे दो थे, लैक 10 लाख। फिर करोड़ का था आपका, करोड़ और 10 करोड़, ये किसका पीरियड है, पूरा करोड़ का है। तो आप लोग ने देखा होगा पहले 3 अंक के बाद है लाइन खींचिए, फिर क्या होता है 2 के बाद, ये क्या है, एक पीरियड है। पहले एक पीरियड जो था 3 का था, फिर 2 का है, फिर 2 का एक पीरियड है, फिर एक 2 का पीरियड है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, इंडियन सिस्टम में हम लोग कॉमा भी लगाते हैं पहले 3 3 के बाद, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 4 5 6 7 7, तो पीछे से गिनना चालू किया, पीछे से हमेशा काउंट करते हैं 1 1 2 3, पहले 3 के बाद, फिर 2 2 के बाद, 1 2 2 के बाद कॉमा लग देंगे हम। जैसे सेकंड वाला है 4 5 6 6 7 8 7 8, तो पहले 3 1 2 3 3 के बाद, फिर 2 2 के बाद, 1 1 2 1 2 2 2 के बाद। अब आप लोगों का तीसरा आता है 4 5 6 7 8 8, तो पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है, आप लोगों को बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन 5 6 7 8 9 8 9, तो पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 कॉमा, फिर सर 2 के बाद क्या आगे लगेगा कॉमा, नहीं, ये क्योंकि ये आगे आ जा रहा कॉमा, फ्रंट में आ रहा था, इसलिए आगे कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है, आगे कॉमा कभी भी नहीं लगेगा किसी नंबर को। फिर आता है इंटरनेशनल, सर इंडियन में तो पहले 3 के बाद लगता था, फिर 2 2 के बाद लगता था, तो इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है, इंटरनेशनल में डिफरेंस ये है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है हमेशा 3 अंक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, वो 5 6 7 8 9 6 4, तो पहले 3 के बाद डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। इंटरनेशनल में क्या होता था, 3 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, क्या होता है, 3 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, जैसे यहाँ पे 3, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा। अब इसको मुझे करना, तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, और फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, हमेशा इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, क्योंकि सर यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाता हूँ उसमें हर एक के 3 3 पीरियड है, 1s 10s 100, ये वंस का पीरियड था पूरा, फिर आपका था 1000 10000 100000 ना, 100000, ये हमारा 1000 का पीरियड हो गया, ठीक है। फिर हमारा कौन सा था, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये हमारा मिलियन का पीरियड था, क्योंकि हर एक पीरियड में 3 3 का है ना, इसीलिए यहाँ पे 3 3 अंक के बाद क्या होता है, कॉमा लगता है, 3 3 डिजिट के बाद क्या लगता है, कॉमा लगता है, ठीक है, कॉमा लगाना आपको पता चल गया। अब देखते हैं नंबर नेम, नंबर नेम, नंबर नेम कैसे लिखेंगे सर, जैसे आपका दिया 4 5 6 7 8 9, तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे, कॉमा लगा लेंगे। सर इसमें कुछ नहीं दिया, इंडियन में है कि इंटरनेशनल में, जब कभी भी कुछ नहीं दिया हो तो हमेशा क्या मानेंगे, इंडियन सिस्टम में मानेंगे, क्या मानेंगे, इंडियन सिस्टम में दिया होगा, क्या किस में दिया होगा, इंडियन सिस्टम में, ठीक है। तो पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, सर ये होता है 1s 10s 100000 10000, फिर क्या होता है, लैक, 1s 10s 100000 10000 लैक, तो क्या है? एक एक पीरियड को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 4 क्या है, लैक है, तो 4 लैक 4 लैक, फिर ये इसमें कॉमा लगाना, तो ये कितना लिखा है यहाँ पे 56, क्या लिखा है, 56 56, क्या है ये, 1000 का पूरा पीरियड है, 56 1000, ठीक है, 56000 हो गया। फिर सेकंड पे आए,
सर ये पूरा वंस का पीरियड था, तो इसमें क्या करेंगे, हर एक डिजिट जैसे ये क्या हुआ हमारा 789 हुआ, ऐसे ही लिख देंगे 789 89, ठीक है ऐसे। अब जा आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 6 7 8 9 0 6 4, तो सर पहले इसमें कॉमा लगा देंगे, ठीक है, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। सर ये वंस टेंस 100 थाउजेंड 10,000 मिलियन 10 मिलियन, सर इसमें मिलियन तो आता ही नहीं है ना, आप लोग ने बताया नहीं इसमें मिलियन तो आता ही नहीं है, तो कैसे लिख दिया, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख फिर करोड़, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5 करोड़, क्या आ जाएगा FIV 5 करोड़। ये 5 क्या हो गया करोड़ में है, और यहाँ पे 67 क्या है लाख है, 67 लाख हो गया। 89 क्या है, थाउजेंड का पीरियड है ना ये वाला, 89 89 थाउजेंड, और जो फर्स्ट पीरियड आ गया यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली 64 लिखा, तो यहाँ पे सिंपली 64 लिख देंगे 64 हो गया, ठीक है। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, ये आप लोगों को करके बताना है, कमेंट में करना है, जवाब देना है इसका, ठीक है। आप लोगों के इंटरनेशनल प्लेस इंटरनेशनल सिस्टम में अब हमें क्या लिखना है, नंबर नेम लिखना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कॉमा प्लेस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले कॉमा प्लेस करेंगे। सर कॉमा कैसे प्लेस करेंगे सर, अभी आप लोगों को मैंने पहले क्या बताया था कि हमेशा याद रखिएगा इंटरनेशनल में क्या होता है, हमेशा 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, क्या लगता है 3 डिजिट के बाद, 3 4 7 6 5 8 9 0 6 7 है, तो 3 3 3 डिजिट ये हो गए, 3 डिजिट ये, 3 डिजिट ये के बाद, 3 3 डिजिट के बाद क्या लगता है कॉमा लगता है। सर ये पूरा वंस का पीरियड होता है, सर ये पूरा थाउजेंड का पीरियड होता है, दिस वन इज मिलियन का पीरियड होता है, और दिस वन इज बिलियन का पीरियड होता है ना। आप लोगों को पढ़ थाउजेंड के पीरियड में क्या थे 3 नंबर से, वंस के पीरियड में 3 डिजिट हैं, और 5 के मिलियन के प्लेस में 3 डिजिट हैं, और यहाँ पे केवल एक ही बचा तो एक वो बिलियन के अंदर होगा, तो यहाँ पे क्या है 3 3 लिखा है, 3 लिख दिया, 3 के ऊपर क्या लिखा है बिलियन, 3 बिलियन, और ये क्या है 476, जो कॉमा में नंबर लिखा है वही केवल आप लोगों को देखना होगा, 4 4 176, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 589 589 89, और यहाँ पे क्या होगा 67, सिंपली 67 होगा 67, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब आप लोगों का क्या थर्ड क्वेश्चन में बताता हूँ, आप लोग को सेकंड में क्या करना है होमवर्क में करना है। इसमें क्या करते हैं सर, 3 अंक के बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा वंस का पीरियड हो गया, ये हमारा किसका हो गया थाउजेंड का हो गया, दिस वन इज अवर मिलियन, तो 3 मिलियन 3 मिलियन 45 फोर्टी फोर्टी फाइव फोर एक मिनट 3 आपका मिलियन हो गया, तो 454 होगा ना,
454 क्या है? 454 क्या है? थाउजेंड। किस फैमिली से है? थाउजेंड की फैमिली से है ना। और यहाँ पे सिंपली 554, 554, 554। ठीक है, आप लोगों को अब नंबर नेम लिख लेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल में कैसे कॉमा प्लेस किया जाता है? इंडियन सिस्टम में क्या होता था? पहले थ्री डिजिट के बाद, पहले थ्री डिजिट के बाद, फिर टू टू डिजिट के बाद। इंटरनेशनल में हमेशा थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। इंडियन में क्या होता है? लाख और करोड़ आता है। और इंटरनेशनल में मिलियन और बिलियन आता है। इंटरनेशनल में क्या होता है? मिलियन और बिलियन आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन को क्या और क्या कहते हैं? राउंड ऑफ कहते हैं। राउंड ऑफ मीन्स क्या होता है? जैसे आपको आप कोई चॉकलेट लेने गए, चॉकलेट है आपकी 29 रुपीस की, ठीक है, तो आपको शॉपकीपर कितने रुपए ले लेता है? 30 रुपए ले लेता है। क्यों ले लेता है? कि उसको राउंड ऑफ कर देता है। क्या कर देता है? राउंड ऑफ कर देता है। यही आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब हमें राउंड ऑफ पढ़ना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1, 2, 3, 4 अगर किसी नंबर के ये लास्ट में होंगे तो उसको क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। और 5, 6, 7, 8, 9 है लास्ट में, तो क्या कर देंगे? उसको 10 कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। ठीक है, जैसे आपके पास है 54, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो हमेशा फर्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा ये वंस होता है आप लोगों का, ये टेंस होता है। वंस पे राउंड ऑफ करना है कि टेंस पे राउंड ऑफ करना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। हम लोगों को किस पे राउंड ऑफ करना है? टेंस पे राउंड ऑफ करना है। तो टेंस पे जिस नंबर पे हमें राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? राउंड ऑफ। किस पे राउंड ऑफ करना है? टेंस पे करना है। तो टेंस पे करना है, वंस टेंस, फाइव टेंस वाला है तो उससे पहले वाला नंबर देखेंगे, पहले वाला पीछे से। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्या है? 4 है। तो हमने बताया था 1, 2, 3, 4 में से कोई नंबर हो तो उसको जीरो कर देंगे, तो राउंड ऑफ करके ये क्या आएगा? 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यदि आपके पास लिखा है 5, 6, 7 लिखा है, 5, 6, 7 लिखा है, ठीक है, अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस पे। तो ये वंस होता है, दिस वन इज टेंस, दिस वन इज हंड्रेड, तो मतलब इस पर हमें राउंड ऑफ करना है। तो जिस नंबर पे हमें राउंड ऑफ करना है उससे पहले नंबर पीछे से देखेंगे, उससे पहले क्या है? 7 है, तो 7 क्या कर देते हैं? 10 कर देते हैं। 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दो नंबर तो एक साथ लिखे नहीं आते, तो 1 कैरी में चला जाएगा, 5, 7। ठीक है, 7 को या आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे सर? इसको 10 कर देंगे, 10 कर देंगे, तो 10 का 0 यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 कहाँ पे जाएगा? कैरी पे जाएगा, और 1 कैरी पे जाएगा, 6, 1 कितना हो जाएगा? 7 और 5। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा 5, 8, 7, नियरेस्ट टेंस पे करना है, तो ये हमारा टेंस है, तो 7 है, तो क्या करेंगे? 1 आ 10 कर देंगे, 0 कर देंगे, इसको 7 को 0 कर देंगे, 1 हमारा आगे कैरी चला जाएगा, 9, 5, 90। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। जब कभी भी ये ना लिखा हो, पहले इस पर राउंड ऑफ करना है, किस पे? नियरेस्ट 100 पे, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारा वंस होता है, दिस वन इज टेंस, दिस वन इज हंड्रेड। सर 100 पे करना है तो उसके पहले वाले डिजिट देखेंगे ना, उसके पहले वाले डिजिट क्या है? आपकी 4 है, तो क्या कर देंगे? और जितनी भी डिजिट होंगे उसके पहले सभी को 0 कर देंगे, सभी को 0 कर देंगे, सभी को। 4 को तो 0 करेंगे, उसके पहले भी जितनी डिजिट होंगे सभी को 0। जैसे आपको 100 पे करना है, वंस टेंस 100, 1000। तो क्या करेंगे इसमें? पहले 100 पे करना था तो 7 क्या करेंगे? 0 कर देंगे, तो
और 7 से जो पहले होगा वो भी 0 हो जाएगा, जितने भी नंबर होंगे, चाहे 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो। तो 7 हमारा क्या हो गया, 10 करते थे, 10 का 0 लिखते थे, 1 कैरी जाता था, तो 6 1 7 5 7 1 10 100। 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो सर जी यहाँ पे क्या है, 100 के पहले वाला 5 है, तो 10 करते हैं, तो 5 5 0 0 आंसर आ जाएगा आपका ना, क्योंकि वंस ये तो 0 हो ही जाएगा और सारे नंबर 0 हो जाते हैं, और यहाँ पे 5 था, तो 5 का हम लोग क्या करते हैं, 5 का 10 कर देते हैं ना, 0 लिखा, 1 कैरी जाएगा यहाँ पे, तो 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000। 100 पे करना है तो 100 से जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे, 6 है, ठीक है, तो क्या करते हैं, 10 आता है, 10 में क्या होता है, 1 कैरी जाता है, तो 5 1 6 हो जाएगा, 5 6 6। ऐसे आपको क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब एस्टिमेशन, एस्टिमेशन एडिशन, एस्टिमेशन एडिशन या इसे राउंड ऑफ एडिशन भी आप लोगों को लिखा होगा, राउंड ऑफ एडिशन, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे दिया नहीं है किस पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो आप लोग हमेशा क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है आगे से, तो इस पे राउंड ऑफ करेंगे, क्या है, वंस टेंस हंड्रेड, ये हमारा 100 है, तो 100 पे राउंड ऑफ होगा। सर इसको पहले वाली डिजिट को राउंड ऑफ करें, वंस टेंस हंड्रेड, जिसको राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाले देखते हैं, 4 है, तो क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो जिसको राउंड ऑफ करना है, 5 को राउंड ऑफ करना है, तो उससे पहले वाला 6 है, तो 10 हो जाता था, सर तो 6 0 0, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, डायरेक्टली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे 100 पे, 1 10 100, तो पहले वाला नंबर देखेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा, 7 8 9, ये हमारा 100 है, और ये हमारा कितना है, 10 है, तो 100 में राउंड ऑफ करना, तो 10 को देखेंगे ना, 8 है, तो एक आगे चला जाता है, 8, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। अब हमें इसको करना है 56। अब देखिए यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड, इसमें 100 तक है, और लेकिन इसमें क्या है, वंस टेंस तक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, टेंस तक ही राउंड ऑफ आप लोग कर सकते हैं, 100 तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे 100, दोनों में सेम राउंड ऑफ करना होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे टेंस पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 तो है नहीं, तो आप लोगों को टेंस पे ही करना होगा, मिनिमम पॉसिबल यही है ना, तो टेंस पे राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, वंस को देखेंगे, वंस हमारा 6 है, तो 10 हो जाता था, 6 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होगा, वंस टेंस, टेंस पे राउंड ऑफ करना 9 है, तो 7 9 0 आ जाएगा, तो आप लोगों का कितना आंसर आ जाएगा, 850 आंसर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। एस्टिमेट सब्ट्रैक्शन, इसमें भी क्या करना है, राउंड ऑफ ही करना है, किस पे, जब कुछ नहीं दिया होता है तो नियर जो सबसे पहली वाली संख्या होती है उस पे करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, मतलब 100 पे करेंगे, ठीक है, आप लोगों का क्या आ जाएगा, 2, 100 से पहले वाला डिजिट देखेंगे 3 है, तो उसको 0 कर देते हैं, 2 00 माइनस 1 00, तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। अगर सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो 100 पे करना है, 3 00 माइनस 100, तो आप लोगों का कितना आंसर आ जाएगा, 200 आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, एस्टिमेट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब क्या आप लोगों को क्या करना है, 45 और 12 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इसका राउंड ऑफ करना होगा। अब 45 का राउंड ऑफ करेंगे, वंस टेंस पे करेंगे, टेंस पे करने के लिए उससे पहले वाले डिजिट देखेंगे, तो 5 है, तो सर 10 हो जाता है, एक आगे चला जाएगा और 50 हो जाएगा, और इसमें वंस टेंस, सर इसमें 2 है, तो क्या हो जाता है, 2 का 0, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 500। इसी तरह 6 7 × 89 है, तो इसमें वंस टेंस, ये भी हमारा वंस टेंस,
राउंड ऑफ आप इसको करेंगे तो क्या आएगा 67 को। जब कभी भी याद रखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 है तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा राउंड ऑफ जब करेंगे। और 5 6 7 8 9 है तो ये क्या हो जाता है हमारा, 10 हो जाता है। क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है तो 7 क्या हो जाएगा, 10, 10 का 0 कैरी 1 चला जाएगा 6 में, 7 आ जाएगा 70 इंटू, यहाँ पे 9 है तो कैरी 1 चला जाएगा 90। तो 7 9 जे कितना होता है 63, 63 00। ठीक है, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को ये सॉल्व करना होगा। फिर आते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, जैसे हम लोगों को, अगर आप लोगों को हमेशा ये याद होगा, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, आई को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वी हमारा क्या 5 को बताता है, आई वी एक्स, एक्स हमारा क्या होता है 10 होता है, एल हमारा क्या होता है 50 होता है, सी हमारा, सी मतलब सेंचुरी, सेंचुरी 100 की होती है, आई वी एक्स एल सी, डी, डी हमारा कितना का होता है 500 का होता है, और एम 1000 का होता है, कितना का होता है 1000 का। अगर आप लोगों को इतने नंबर याद हैं तो आप इन नंबर से कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को 1 लिखना, 1 लिखना है तो आई से डायरेक्टली लिख देंगे 1। अब हम आप लोगों को 2 लिखना है तो 2 बार आई लिख देंगे। अगर दो सेम नंबर 2 बार लिखें, अगर पहले आई लिख दिया फिर उसके बाद दूसरा आई लिख रहा है तो आप लोगों का क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन, तो 2 आ जाएगा। आप लोगों को 10 तक तो यह लर्न करनी पड़ेगी, 1 2 3 3 ऐसे लिखा जाएगा। 4 वी, आई वी ये हमारा क्या होता है 4 होता है, वी हमारा क्या होता है 5 होता है, वी आई हमारा क्या होता है 6, वी आई आई हमारा क्या होता है 7 होता है, वी आई 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 हमारा क्या होता है 8 होता है, आई एक्स हमारा क्या होता है 9 होता है, और एक्स हमारा क्या होता है 10 होता है। अब आप लोग ने देखा होगा यहाँ पे वी लिखा गया और इसके पहले कोई नंबर दिया, लेफ्ट साइड में कोई नंबर दिया, जैसे वी लिखा है और इसके लेफ्ट साइड में, वी का मतलब तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है 5 होता है, और सर अगर आई हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया तो इसका मीन्स आई का मतलब तो 1 होता है। तो अगर किसी नंबर के लेफ्ट साइड में कोई बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में कोई नंबर लिखा है तो मतलब कि क्या है, ग्रेटर नंबर से 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 1 लिखा है तो 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह लिखा हुआ है हमारा 10 लिखा है, एक्स का मतलब क्या होता है 10, यहाँ से देखिए आई वी एक्स, एक्स का मतलब 10, फिर आई लिखा हुआ है, आई का मतलब 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा क्या बन रहा है 9 बनता है। आप लोगों को ऐसे ही दिखाना होगा, जैसे 9 आपको लिखना है तो 10 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप लोगों को जैसे ग्रेटर नंबर है फिर उसके राइट साइड में एक नंबर लिखा हुआ है आई, तो 10 अगर राइट साइड में लिखा है तो मतलब मीन्स प्लस हो रहा है, 10 प्लस 1 11, जैसे 1 1 राइट साइड में लिखा है तो 10 प्लस 1 प्लस 1 12, एक्स आई आई आई, तो 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, और ग्रेटर नंबर के यदि राइट साइड में कोई नंबर लिखा तो वो क्या होगा, ऐड होगा, वो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, अब आप लोग जैसे रोमन नंबर लिख लेंगे, जैसे आपको लिखा हुआ है 226 26, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 लिखते हैं, जितने नंबर होते हैं उतने 0, फिर 6। अब 20 को क्या लिख सकते हैं, आप लोगों के पास क्या होता है आई वी एक्स, एक्स होता है तो एक्स को आप क्या 2 बार लिख सकते हैं, 2 किसी भी नंबर को 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं।
मतलब दो बार लिख सकते हैं, तो एक्स 10 प्लस 10 ये हो जाएगा और हमारा 6। 10 प्लस 10 एक्स का मतलब 10 और एक्स एक्स का मतलब 10 और 6 हमारा क्या होता है, ये हमारा 5। VI से लिखते हैं 6, तो हमारा 26 कैसे लिखा जाएगा, एक्स एक्स वी आई ये हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको 28 लिखना है तो 20 प्लस 8 होगा, 20 मतलब एक्स एक्स और 8 मतलब क्या होता है V 1 2 3 II, ठीक है 28। ऐसे ही आप लोगों को, अब आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। अब रोमन नंबर्स के कुछ रूल्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू, यदि कोई सिंबल अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, रिपीट इज वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट ऑकर, जैसे आप लोगों को आई आई दो बार लिखा है, अगर कोई नंबर दो बार लिखा है मतलब वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब आई का मतलब वन होता है, फिर दूसरे आई का मतलब वन, मतलब वो ऐड हो रहा है। तीन बार लिखा है कोई सिंबल तो मतलब वो ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 30। आई आई थ्री बार लिखा है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, ठीक है। अ सिंबल सेकेंड रूल क्या कहता है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, किसी भी सिंबल को 3 से ज़्यादा, जैसे एक्स 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 केवल 3 ही बार हम लोग लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार। अगर हम लोग सोचे 40 में लिखना है तो 4 बार एक्स लिख दें, ये 40 हो जाएगा, तो दे हमारा क्या है, रॉन्ग है, दिस वन इज रॉन्ग, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये हमारा राइट है। कभी भी 3 से ज़्यादा बार सेम नंबर नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते सेम नंबर्स को, ठीक है। बट द सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, लेकिन कभी भी याद रखिएगा वी एल डी कभी भी रिपीट नहीं होता। ये नहीं कि 10 हमें लिखना है तो दो बार वी लिख दिया तो हमारा क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे सिंपली रूल में लिखा गया है कभी भी सिंबल जो वी एल डी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल, आप लोगों को ये तो मैंने बताया था, यदि स्मॉलर नंबर का सिंबल है और वो राइट में लिखा गया है, इसका मीन्स क्या होता है, वो ऐड हो रहा है उस नंबर के साथ, बिगर नंबर के साथ। यहाँ बिगर नंबर 5 है और प्लस 1 मतलब ये क्या है, किसका सिंबल है, 6 का है। इफ़ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर नंबर, जैसे आप लोगों के पास ग्रेटर नंबर वी है और आई, अब ये तो लेफ्ट साइड में लिखा है, 5 के लेफ्ट साइड में लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो ये किसका सिंबल है, 4 का सिंबल है। द सिंबल वी एल डी आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, कभी भी वी एल डी रिपीट नहीं होंगे, ठीक, क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे, नॉट रिपीट एक से ज़्यादा बार नहीं होंगे वी एल डी, ठीक है, और कभी भी क्या होंगे, किसी ग्रेटर नंबर के पहले नहीं लिखे होंगे, नॉट रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में लिखे नहीं होंगे। अब याद रखना वी और एक्स, वी एंड एक्स से केवल आई ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, आई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, और एक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कहाँ से, एल एम सी में से, जैसे हमें लिखना है 90 लिखना है, क्या लिखना है 90, तो हम लोग जानते हैं सी मतलब क्या होता है, 100 होता है, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब एल सी एम में से केवल हम लोग एक्स ही को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वी और एक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन क्या दिया, 69 को हमें रोमन नंबर्स में लिखना है, तो हम लोग ने क्या कर दिया, पहले इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, 60 प्लस 9 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आपको बताया मैंने, फिर आप 60 को कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 लिख सकते हैं, दो नंबर जिस जो जिनका हमें पता हो, और प्लस 9, 50 का क्या होता है L, और 10 का X ना, इस राइट साइड में लिखा तो एडिशन हो रहा है, और 9 के लिए क्या होता है X, IX, IX हमारा क्या होता है 9 होता है,
बस हो गया हमारा 69। और 90 लिखना हो तो 90 और प्लस 8, 90 के लिए आप लोगों को बताया सी एल सी। सी मतलब 100 और एल मतलब नहीं सी एक्स, एक्स सी ना। सी मतलब 100 और एक्स मतलब क्या होता है 10 होता है। 100 में से 10 माइनस हो गया 90 बच गया। और 8 के लिए वी आई 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 ये हमारा 8 हो गया। तो 6 98 हो गया। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों की क्लास अब ओवर होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।